कल की मूवी बहुत ज़्यादा विवादों का विषय बना हुआ है, जहाँ जो सिनेमा लवर्स है उनको जो कुछ नया देखना था इंडियन सिनेमा से, उनको तो बहुत ज़्यादा ये मूवी पसंद आ रहा है। जहाँ बात करें प्रभास के कैरेक्टर की, तो बहुत ज़्यादा उनका जो कैरेक्टर स्क्रीन टाइम को बढ़ा दिया और बोरिंग स्क्रीन प्ले दे दिए गए। जहाँ अमिताभ बच्चन जी के जो परफॉर्मेंस है, बहुत ज़्यादा लोग खुश हैं कि अश्वत्थामा का कैरेक्टर वो निभाए हैं। जहाँ इन दीदी का वीडियो देख सकते हैं जो कि अश्वत्थामा को अश्वगंधा बोल रही हैं। आ रहा है कि हिंदू ग्रंथ से लिया गया है फिल्म, हिंदू ग्रंथ से रिलेटेड है, तो ये कुछ समझ में आया, कुछ ग्रंथ समझ में आया? हाँ, हिस्ट्री है, महाभारत है और अश्वगंधा का पूरा कॉन्सेप्ट है। कब हो गया ये? कब हुआ कब? देख लिया आपने, तो ऐसे ऐसे लोग तो हमारे जेंजी में जो है पैदा होने वाले लोग हैं, जिनको पता नहीं है हमारे ऐतिहासिक जो है पुराणों के बारे में, उनके बारे में उनको पता नहीं है कि कौन कैरेक्टर क्या होता है। ये लोग बिना मतलब का जो है इसी प्रकार से जो है महाभारत को जो है मजाक समझ के रखते हैं, उनको माइथोलॉजी बोलते हैं। चलिए, तो अलग बात है। तो ओम राउत का भी बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है, जहाँ उन्होंने आदि पुरुष बनाया था, जो कि इतना वाहियात मूवी निकला, जिससे जो है लोग जो है प्रभास से भी नफरत करना चालू कर देते। उसके बाद जब नाग अश्विन रिटर्न करते हैं अपने जो है तीसरी मूवी के साथ, जो कि ब्लॉकबस्टर होती दिख रही है, कल्कि 2898 AD, जहाँ कमल हसन जो है सुप्रीम या स्किन के रोल में दिख रहे हैं, अश्वत्थामा के रोल में अमिताभ बच्चन दिख रहे हैं, भैरवा या फिर स्पॉयलर के साथ बात करें तो कर्ण के रोल में दिख रहे हैं हम प्रभास। तो इस प्रकार से जो है आपको कैरेक्टर दिखने को मिलता है, जहाँ विजय देवरकोंडा का भी कैमियो है, जहाँ वो अर्जुन के रोल में दिख रहे हैं और कृष्ण को भी अननोन रखा गया है, उनका चेहरा दिखाया नहीं गया है। लेकिन वामपति इतिहासकारों के द्वारा जो महाभारत का जो है प्रक्षेपण किया जाता है, जो दिखाया जाता है कि कर्ण को दानवीर महान दिखाया जाता है, अर्जुन से बड़ा योद्धा दिखाया जाता है, ऐसे ही अश्वत्थामा कैरेक्टर अमिताभ बच्चन कहते हैं किसको, प्रभास को, या फिर जो एक बच्चे को कहते हैं कि जो प्रभास का कैरेक्टर है, जो कर्ण का जो रोल जो ट्विस्ट दिखाया गया है अंतिम में, तो उसमें कहते हैं कि अश्वत्थामा से बड़ा योद्धा अर्जुन होते हैं और अर्जुन से बड़ा होता है योद्धा कर्ण। तो भाई साहब, आप किस संस्करण को पढ़ते हैं? वेद व्यास जी के आप जो है महाभारत को संस्करण को पढ़ के देख सकते हैं कि कर्ण और अर्जुन में कितना फ़र्क होता है। कर्ण जो है किस प्रकार से जो विराट युद्ध में पराजित करते हैं पूरी कौरव सेना को अकेले, वही जो है अर्जुन के साथ जब कर्ण का जितने बार भी युद्ध हुआ है उसमें जो है ज़्यादातर जो है अर्जुन ही विजयी रहे हैं। और यहाँ तक कि जब आप तुलना करके देख सकते हैं कि जयद्रथ वध में भी जब है पूरी कौरव सेना एक साइड खड़ी थी और अकेले अर्जुन थे, फिर भी जो अर्जुन सभी को पराजित करते हुए जयद्रथ का वध करते हैं। तो इस प्रकार से आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से जो कहते हैं ना कि अर्जुन तो फिर अर्जुन है वाला, इसी प्रकार से अर्जुन के कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा कमज़ोर करते हैं। और कर्ण वाली जो पता नहीं नाग अश्विन में क्या सिंपति है, फिर क्या बनाना चाहते हैं, इसका थ्योरी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है ना कि आप दिखाना क्या चाहते हैं। अर्थात देखिए, अश्वत्थामा पॉजिटिव साइड में आ चुके हैं, चलिए उनको भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया था, श्राप दिया था कि आप जीवित रहेंगे, अब वरदान साबित हो रहा है क्योंकि वो कल्कि की रक्षा करेंगे, चलिए ठीक है, वो अपना पाप सुधार रहे हैं। लेकिन कर्ण का जो इनकार्नेशन होता है, पुनर्अवतरण होता है प्रभास जो भैरवा बने हुए हैं उनके रूप में, तो पहले उनको जो है काल भैरव की तरह दिखाया गया था, जहाँ हम सोच रहे थे कि उनके इनकार्नेशन होंगे, लेकिन कर्ण के इनकार्नेशन है, ठीक है चलिए। लेकिन बात यही है, आखिरी में जो ट्विस्ट आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, जहां कमल हसन गांडीव को उठाते दिख रहे हैं, पता नहीं देखो गांडीव धनुष को पता नहीं अर्जुन कहां फेंक के चले गए थे, जो इनको आसानी से मिल भी गया, उसको उठा रहे हैं सुप्रीम यास्किन, यानी जो है हमारे जो कमल हसन के जो कैरेक्टर जो कि कली बनेंगे बोलते हैं मतलब, उनके चार हाथ निकल रहे हैं, अर्थात चार हाथ सिम्बोलिज्म है भगवान विष्णु का, श्री कृष्ण का, वही गांडीव सिम्बोलिज्म है अर्जुन का, मतलब जो पॉजिटिव साइड थे जो द्वापर युग में, वो जो है अब कलयुग में आके क्या हो गए, नेगेटिव साइड, और वही जो है भैरवा कैरेक्टर अर्थात जो कर्ण समझ लिए प्रभास को, तो वो आ गया पॉजिटिव साइड, अश्वत्थामा अमिताभ बच्चन पहले से ही पॉजिटिव साइड में ही है। तो सोचिए, अब जो अवतरण होने वाला है कली का, वो क्या दुर्योधन होने वाले हैं? आप स्वयं सोच के देखिए कि कौन सा प्रकार का जो है नाग अश्विन अपना सेटअप कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि बिल्कुल ट्विस्ट करते हुए धर्म के मार्ग में चलते हुए बनाएं, क्योंकि हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ ना ही किया जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि वामपंथी इतिहासकारों ने इतना ज़्यादा जो है भारतीय इतिहास को तोड़ मड़ो के इतना जो है बर्बाद करके रखा हुआ है कि भारतीय इतिहास से ही जो है अपने देश के लोग नफरत करते हैं और महाभारत और रामायण को काल्पनिक कहते हैं, और खास करके कुछ दल्ले यूट्यूबर भी हैं जो कि महाभारत और जो रामायण को काल्पनिक बता के जो है सपोर्ट करते हैं और हमारे देश के साथ जो है खिलवाड़ करते हैं और हमारे संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं। तो आप अपने आप में फैसला कीजिए कि मूवी के अपने आप में तो मूवी अच्छी बनी है, टेक्निकली वेल मेड बोल रहे हैं, अच्छा खासा कमाई भी कर रही है, लेकिन किस प्रकार से दिखाना है सही था कि नहीं था, और मुझे कोई समस्या नहीं है इससे कि आप क्या दिखा रहे हो कैसे, आपके पास क्रिएटिव लिबर्टी जिसे कहते हैं वह है आपके पास कि आप कुछ भी दिखा सकते हैं, लेकिन हम तो यही कहना चाहेंगे कि कुछ हो सके तो इतिहास के साथ छेड़छाड़ ना ही करें, और बाकी आगे देखते हैं कि कल्कि के पार्ट्स में जो है पॉजिटिव वे में सनातन धर्म को दिखाया जाए और हमें जो है अपने मूवी पे इस मूवी पे हमें अपने धर्म पे हमें अपने संस्कृति पे भारत पे जो है गर्व हो, हम यही चाहेंगे। बाकी आपने इस मूवी को देखा या नहीं देखा, आपके इसके बारे में क्या ओपिनियन है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।